गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर पुनीत शर्मा, पुनीत डेंटल क्लिनिक आगरा से, जो कि मैं एक माइक्रोस्कोपिक डेंटिस्ट हूं आगरा में। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं डेंटल फ्लोरोसिस के बारे में। जी फ्रेंड्स, मेरे पास में बहुत लोग आते हैं जो जिनको ये प्रॉब्लम होती है और उनको पता भी नहीं होता कि ये प्रॉब्लम है क्या। तो आज मैं इसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि फ्लोरोसिस, डेंटल फ्लोरोसिस का ट्रीटमेंट क्या है और ये होती क्यों है। तो सबसे पहले ये होती क्यों है, ये होती है जब बच्चा 6 से 12 साल की उम्र में ताज़ा पानी पीता है ज़मीन का, और उस ज़मीन के पानी में डेंटल फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है अगर, तो उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रॉब्लम कॉमन है बहुत नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में। क्यों कॉमन है? क्योंकि ज़मीन में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि बच्चा जब ऐसा पानी पी रहा है जिसमें फ्लोराइड बहुत ज़्यादा है, तो उसकी इनेमल जो बन रही होगी ना हड्डी में, वो इनेमल कमज़ोर बनेगी उसकी वजह से। और कमज़ोर बनने की वजह से क्या होगा, जैसे ही वो दांत बाहर निकलेंगे मसूड़ों में से, खाना खाने में काम में आएंगे, तो वो टूटना शुरू हो जाएगी इनेमल। डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा फ्लोराइड था उस पानी में और कितना ज़्यादा उसने इफ़ेक्ट किया दांतों को, उस पर डिपेंड करता है कि दांतों की स्थिति क्या होगी। तो इसमें अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे उसके। तो ट्रीटमेंट कैसा होता है? ट्रीटमेंट होता है प्रॉब्लम के हिसाब से। प्रॉब्लम कई स्टेजेस में हो सकती है डेंटल फ्लोरोसिस की। उसमें पहली स्टेज ये होती है कि सिर्फ स्टेनिंग आ रही है दांतों पे, ब्राउन ब्राउन स्टेन्स आ रहे हैं और इनेमल ठीक ठाक है, मजबूत है। तो अगर सिर्फ ब्राउन स्टेन्स आ रहे हैं और इनेमल ठीक ठाक है, तो माइक्रो एब्रेशन से और पॉलिशिंग से उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, स्टेन्स कम करे जा सकते हैं। अगर पिटिंग होनी शुरू हो गई है इनेमल में, तो फिर हम उसको इनेमल को सही करने के लिए या तो कॉम्पोजिट फिलिंग्स वगैरह करेंगे उस पर, या फिर हम विनियर चढ़ाएंगे उस पर। विनियर क्या होते हैं? विनियर एक पतली लेयर होती है जो कि दांतों के सामने वाली सरफेस पर हम चढ़ा देते हैं। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, पूरे ही दांत ख़राब है चारों तरफ से, तो फिर हम उसको सही करने के लिए क्राउन चढ़ाएंगे, क्योंकि दांत में फिर ऐसे ऐसे दांतों में फिर कैविटी लगने का चांस बढ़ जाता है और प्रॉब्लम दिक्कत देगी आपको, क्योंकि उसमें जल्दी कैविटी लगेगी तो फिर वो जल्दी या तो दांत टूटने लग जाएंगे या फिर RCT करानी पड़ेगी उन दांतों में, ठंडा गर्म बहुत लगेगा। तो उससे बचाने के लिए फिर क्राउन्स का ही ऑप्शन बचता है। तो मेरा बोलना ये है फ्रेंड्स, अपने बच्चों पे ध्यान दें। अगर आपको लग रहा है कि उनके जो पक्के दांत निकल रहे हैं उनमें धब्बे आने लगे हैं, या वो ब्रश कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से फिर भी वो धब्बे साफ़ नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि ब्राउन स्टेन्स या येलो स्टेन्स, कुछ ऐसे स्टेन्स आ रहे हैं दांतों के अंदर जो कि साफ़ नहीं हो रहे हैं, ब्रश अच्छे से कर रहा है बच्चा जब भी, तो फिर इसका मतलब ये हो सकता है कि उसको डेंटल फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम है। और फिर ऐसे में आपको अपने डेंटिस्ट से सलाह लेनी चाहिए और उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से ट्रीटमेंट कराना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।